आ गया अब तक कितना वक्त बीत चुका है इसका मतलब यू स्टार्टेड इन द पास्ट एंड नाउ अब तक कितना वक्त हो चुका है आपने पास्ट में चालू किया है तो पास्ट से लेके अब तक कितना वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी क्या है आपके एक्शन बाकी है। गुड इवनिंग एवरीवन रिपन शिक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है नेम इज हरीश मानिकपुरी और आज हम लोग एसआई का जो 2011 हजार में जो पेपर हुआ था ठीक है उनको हम लोग डील करने वाले हैं ना प्रीवियस पेपर जितने भी हैं वो सबको जितने भी क्वेश्चन आए थे हम लोग को वो सबको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे देखिए हम लोग जब प्रीवियस को सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है मतलब कैसे डिसीजन लेना है आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सबसे पहले आप प्रीवियस को सॉल्व करना स्टार्ट करें या फिर प्रीवियस पैटर्न को जरूर देखें कि किस पैटर्न से पूछता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रिपरेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है है ना चलो तो हम लोग आज देखते हैं प्रीवियस पेपर जितने भी हमारे मतलब ऐसा में जितने भी पेपर पूछे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सभी को ऐसा बात नहीं है कि ग्रामर जो होता है ना वो कभी भी पूछे आपके 10 साल पहले 15 साल पहले आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे ही नज़र आएंगे हिंदी के क्वेश्चन आपको वैसे ही नज़र आएंगे बाकी चीज़ें तो चेंज होगा लेकिन आपके ग्रामर वगैरह की चीज़ें क्या होती हैं आपके चेंज नहीं होते हैं तो अभी जब हम लोग इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो हमारी बाकी और भी जो भी एग्जाम होगा उसमें सपोर्ट करेगा और आने वाली हमारी और ऐसा SI का जो मेन्स होना है उसमें हमको सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो चलो देखते हैं देखो ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे वैसे क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस तो डेफिनेटली देखे ही होंगे उनमें से जैसे नंबर वन दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन से मतलब स्टार्ट हुआ था इंग्लिश हमारा इंग्लिश सेक्शन जो था तो यहां पूछा गया था कि आई वेंट टू शॉप वैसे हम आंसर पहले से लिख चुके हैं लेकिन ऐसा क्यों हुआ है उसको देखेंगे हम लोग ठीक है जैसे यहां लिखा है कि आई वेंट टू शॉप ठीक है ब्लैंक सम चॉकलेट्स अब यहां ऑप्शन में दिया है फॉर बॉय एक सेकेंड ना। ओके ठीक तो यहां हमने लिखा है कि आई वेंट टू शॉप ब्लैंक सम चॉकलेट्स अब ये ऑप्शन में देखो लिखा है for buying करके, उसके बाद हमने लिखा है कि फॉर बाई करके उसके बाद हमने लिखा है टू बाई उसके बाद हमने बाई करके लिखा है तो देखो इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फिनाइट वर्ब क्या होता है एक होता है हम लोग का फिनाइट वर्ब एक होता है हम लोग का नॉन फिनाइट वर्ब है ना कोई भी जो वर्ब होता है ना कोई भी जो वर्ब होता है हमारा चाहे वो फिनाइट हो नॉन फिनाइट हो ट्रांजिटिव हो इन ट्रांजटिव हो, हो स्टेट हो लिंक वर्ब हो एमटी वर्ब हो कोई भी वर्ब हो आपके वो तीनों में से जो आपकी जो हो, तीनों में से कोई ना कोई गुण को दर्शाएगा कोई भी वर्ब होता है वो किसी काम के करने को दर्शाता है डूइंग को दर्शाएगा या फिर किसी काम के होने को दर्शाता है हैपनिंग को दर्शाता है जट क्लियर या फिर उसके स्टेट को बताता है तो चाहे वो फिनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फिनाइट वर्ब हो ये तीनों में से कुछ ना कुछ बताएगा ही या कोई वर्ब हो सकता है डूइंग भी हो जाए और हैपनिंग भी हो जाए कोई वर्ब है जो हैपनिंग भी हो जाए स्टेट भी हो जाए ऐसा भी हो सकता है कुछ वर्ब है जो स्टेट भी हो जाए डूइंग भी हो जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हैं जैसे ब्रेक मतलब तोड़ना होता है तब वो डूइंग वर्ब है और ब्रेक मतलब टूटना होता है तब वो हैपनिंग वर्ब है मतलब किसी काम का होना है ना तो ब्रेक मतलब जब टूटना होगा तब वो हैपनिंग वर्ब है मतलब किसी काम का करना और ब्रेक मतलब होना है ना जैसे आप धूप में चेयर को रखे हो तो रखा रखा चेयर क्या हो गया टूट गया तो कौन सा वर्ब है वो हैपनिंग और उसके बाद फिर एक है हमारा डूइंग वर्ब वही जो है आपका ब्रेक है वो कभी कभी आपके जैसे जब ये डूइंग के जैसा कब काम करेगा जब ब्रेक मतलब तोड़ना होगा जैसे कि मान लो स्टूडेंट गुस्सा था और कुछ था या फिर आ, मेरे पेरेंट्स गुस्सा थे तो उन्होंने क्या किया चेयर में आ, चेयर को तोड़ दिया या फिर मान लो मेरे छोटा भाई गुस्सा था तो चेयर उठाया और वो तोड़ दिया इज इट क्लियर तो डूइंग वर्ब है कुछ काम को कर रहा है वो इज इट क्लियर तो कुछ वर्ब होते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डूइंग भी हो सकते हैं हैपनिंग भी कुछ वर्ब है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेट भी हो सकते हैं और डूइंग भी हो सकते हैं कुछ वर्ब है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हैपनिंग भी हो सकते हैं स्टेट भी हो सकते हैं जैसे हैव मतलब पजेस्ट करना होता है हैव मतलब जैसे हैव अ कार मतलब कार होना हैव मनी पैसा होना तब वो स्टेट वर्ब है स्टेट वर्ब मतलब जैसे कोई मूवमेंट ना हो ना तो कोई कुछ कर रहा हो ना कोई कुछ ना कुछ हो रहा हो तब वो स्टेट वर्ब कहलाता है जैसे हैव आकार मैं बोला आई हैव अ कार मेरे पास एक कार है तो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं क्या कुछ हो रहा है नहीं तो मेरी स्थिति को बता रहा है कि मेरा स्थिति कैसा है तो कार रखा हुआ तो स्टेट वर्ब है आपका है ना उसके बाद फिर आपका एक होता है हैपनिंग आ, उसके बाद यही जो हैव है वो डूइंग के जैसा भी काम कर सकता है डूइंग के जैसा जैसे कि मैंने बोला कि हैव लंच ईट लंच के बदले में हम लोग हैव लंच का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आई एम हैविंग लंच मैं लंच कर रहा हूँ ठीक है तब वो किसके जैसे काम कर रहा हैं आई एम ईटिंग लंच ना बोल के मैं आई एम हैविंग लंच करके बोल सकता हूँ आई एम हैविंग टी मैं चाय पी रहा हूँ आई एम हैविंग अ गुड टाइम मैं अच्छा समय बिता रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका वो डूइंग वर्ब के जैसा काम करने लग गया तो कोई भी वर्ब है वो तीनों में से कोई ना कोई के जैसा काम करता ही है है ना जैसे ईट मतलब खाना डूइंग वर्ब है रेन मतलब बारिश का होना होता है हैपनिंग वर्ब है है ना तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये जो भी आपके वर्ब हैं वो तीनों में से कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करेंगे चाहे वो फिनाइट हो नॉन फिनाइट हो ट्रांजिटिव हो इन ट्रांजिटिव हो कोई भी वर्ब हो आपके तो हम लोग देख रहे हैं फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब देखो क्वेश्चन को जब हम लोग प्रीवियस को सॉल्व करेंगे मैंने बोला तो बहुत डिटेल से देखेंगे तो इससे हमको बहुत सारे और भी क्वेश्चन में सपोर्ट मिलेगा हमको फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं फिनाइट वर्ब वे वर्ब ये ये वो वर्ब होता है जिस जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला कि आई वॉन्ट फिर मैंने बोला कि ही वॉन्ट्स ठीक है फिर मैंने बोला कि आई वॉन्टेड ऐसा मैंने बोल दिया आई वॉन्टेड करके अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टू गो या फिर टू ईट या फिर टू डांस कुछ भी लिख सकता हूँ यहां भी टू गो ही होगा और यहां भी क्या करें हम लोग टू गो ही लिख देते हैं इज इट क्लियर तो यहां देखो ये जो है ना ये स्पीकर एक होता है चाहे एक से ज्यादा होता है तो उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं और ये आपका स्पीकर क्या है थर्ड पर्सन है सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा वर्ब पर यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का और ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग वॉन्टेड लगाए हैं हम लोग है ना ये प्रेजेंट डेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट है तो स्पीकर है स्पीकर मतलब बोलने वाला चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा फर्स्ट पर्सन चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं सुनने वाले सु, जिसके बारे में बात करते हैं अगर वो एक बस होगा तो उसके साथ सिंगलर वर्ब का उपयोग करते हैं तो ही के साथ हमने वॉन्ट्स लिखा है और आई के साथ हमने वॉन्ट लिखा है और यहाँ पास्ट में क्या कर दिया आई के साथ वॉन्टेड कर दिया ठीक है लेकिन यहाँ पास हम लोग देखो यहाँ टू गो है टू गो है टू गो ही है तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जो जब हम लोग वर्ब के साथ वर्ब का उपयोग करते हैं तो ये पहला वाला वर्ब जो होता है वो फिनाइट वर्ब कहलाता है हमेशा ऐसा तो नहीं है लेकिन ये पहला वाला वर्ब जो होता है वो फिनाइट वर्ब कहलाता है

इज इट क्लियर तो ध्यान रखेंगे जब क्या होता है वर्ब के बाद वर्ब होता है तो कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग इन्फिनेटिव टू का उपयोग करते हैं कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का उपयोग करते हैं बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना टू का और टू के साथ लगता है उसको इन्फिनेटिव इत टू बोल देते हैं या फिर सिर्फ इन्फिनेटिव बोलते हैं और इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोल देते हैं या फिर इन्फिनेटिव बस बोल देते हैं है ना विदाउट टू बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू और एक आईनजी फॉर्म तो क्या होता है जब वर्ब 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 के बाद होता होता है ना, वर्ब वर्ब होता है ना प्लस तो या तो हम लोग टू तो का उपयोग करते, है, करते है, हैं है, है तो है? हम लोग इन्फिनेटिविट टू का उपयोग करते हैं इस वजह से और इन्फिनेटिविट टू का उपयोग करते हैं तो हमारे पर्पस को दर्शाता है इज क्लियर ये हमारे पर्पस को दर्शाएगा इंटेंशन को बताता है कौन हमारे इंटेंशन और पर्पज को बताता है कौन इन्फेरेटिव इट टू जैसे कि आई नीड सम मनी टू बाई सम बुक मुझे कुछ पैसे चाहिए किताब खरीदने के लिए उद्देश्य क्या है आपका तो किताब खरीदना तो इसी प्रकार से मैं दुकान गया क्यों गया तो तो मैं दुकान गया खरीदने के लिए तो टू बाई लगेगा सिर्फ बाई तो नहीं लगेगा फॉर बाई तो फॉर के बाद वैसे भी फॉर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन प्लस हम लोग नाउन का उपयोग करते हैं और बाई जो है वो वर्ब है तो ये तो गलत तो हो ही गया पूर्ण रूप से है ना और कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ मैंने बताया इन्फिनेटिविट टू का ही उपयोग करते हैं कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग बेयर एन का उपयोग करते हैं कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ आयन जी का उपयोग करते हैं है ना आगे और देखेंगे हम लोग कुछ कुछ आगे इसी के आगे में देखेंगे तो पता चल जाएगा अब कुछ वर्ब होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके साथ इन्फिनेटिविट टू का भी उपयोग कर देते हैं और आयन जी फॉर्म का भी कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ कंडीशन के अकॉर्डिंग बेयर एन का भी उपयोग कर देते हैं और आयन जी फॉर्म जीरण का भी उपयोग कर देते हैं लेकिन मीनिंग बदल जाता है ध्यान रखेंगे

जब मैंने बताया कि यहां पास टू जो है वो एड वर्ग के जैसा काम कर रहा है कि आई टू शॉप तो आपसे प्रश्न पूछेंगे वाई डिड यू गो टू शॉप आप दुकान क्यों गए थे तो बताएगा कि टू बाई सम खरीदने के लिए तो उद्देश्य को बता रहा है तो उद्देश्य को बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं इन्फिनेटिवेट टू का ठीक है फॉर के साथ हम लोग आई का भी उपयोग करते हैं तो भी फॉर के साथ जब आई लगाते हैं या फिर फॉर के बाद जब नाउन फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं ये भी उद्देश्य को बताता है ठीक है लेकिन ध्यान रखेंगे जब उद्देश्य को उद्दे, उद्देश्य की बारी आती है तो मुख्यतः हम लोग इन्फिनेटिव टू का उपयोग करते हैं ठीक है और देखो फॉर के बाद जब हम लोग ना आई फॉर्म का उपयोग करते हैं अब मैं आपको क्या बताऊंगा बहुत डिटेल हो जाएगा चलो कोई बात नहीं देखते हैं आई जी फॉर्म का जब हम लोग ना उपयोग करते हैं तो इसका मतलब वेन वी टॉक अबाउट द कम्पलीशन जब हम लोग काम के कंप्लीट हो जाने को बताते हैं तो आई जी का उपयोग करते हैं जब वर्ब के बाद वर्ब लगा होता है तो और इन्फिनेटिवेट टू का उपयोग करते हैं इसका मतलब अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है जैसे मैंने बोला कि आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट मैं लेट हो गया हूँ उसके लिए आपको मैं माफी मांग रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं कि क्यों वाई डू यू फील सॉरी वाई आर यू वाय यू सॉरी ऐसे बोल रहे हैं कि तुम सॉरी क्यों फील कर रहे हो ठीक है वाई डू यू फील सॉरी तुम बता रहा हूँ आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट फॉर के बाद मैंने गेटिंग लगाया है किस चीज के लिए लेट हो गया उसके वजह से मैं सॉरी बोल रहा हूं जैसे कि आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर ये आपके एग्जाम में आया था कि आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द दू तो रिमेंबर के बाद आयन जी लगा है टेकिंग करके तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि कोई काम हो गया है वो चीज मुझे याद है लेकिन अभी मैं देखू मैं मैं गया नहीं हूँ मैं जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर अभी बना नहीं हूँ बचा हुआ है वो आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो बना हूं क्या नहीं बना हूं वो रिमेनिंग है तो जब कोई चीज रिमेनिंग रहता है तो हम लोग इंफिनेटिव टू का उपयोग करते हैं और जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वर्ब के बाद वर्ब होता है तो आईएनजी फॉर्म का उपयोग करते हैं समझ आ गया तो यहां पास फॉर बाइंग लगाएंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन में तो ये भी सही हो सकता है अगर हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो लेकिन एक्चुअल में करेक्शन ग्रामर वाइज देखेंगे तो ये सही है आपका बाकी की तुलना में तो वर्ब के बाद जब हम लोग वर्ब का उपयोग करते हैं तो इंफिनेटिव टू का उपयोग करते हैं यहां लगाएंगे कि आई वेंट टू शॉप टू बाई करेक्ट हो जाएगा है ना अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन के लिए हम लोग इतना टाइम लगाए कोई बात नहीं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है डिटेल से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा Let me change. ना नेक्स्ट वन वेर इज ब्लैंक पोस्ट ऑफिस ठीक है अब देखो वेर इज द अगर द नहीं लगता ना हम लोग का अगर द हम लोग नहीं लगाते तो यहाँ पास वेर इज नियर पोस्ट ऑफिस मोर नियर और बाकी कुछ अगर हम लोग द नहीं लगाते हैं तो बाकी कुछ भी लगने के चांसेस थे लेकिन हम लोग क्या किए दल लगा दिए और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग किसका ऊपर एडजेक्टिव में क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं डिग्री होते हैं एडजेक्टिव आपके होते हैं ग्रेडेबल एक नॉन ग्रेडेबल ग्रेडेबल मतलब जिसमें हम लोग उसका रूप को बता सकते हैं टॉल तौल, टॉलर टॉलेस्ट फास्ट फास्टर फास्टेस्ट नियर नियर नियरेस्ट है ना गुड बेटर बेस्ट तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ग्रेड कर सकते हैं उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं है ना इज इट क्लियर एडजेक्टिव है कुछ आपके नॉन ग्रेडेबल होते हैं जैसे सीनियर अब मोर सीनियर मोर सीनियर नहीं होगा ठीक है सिर्फ सीनियर होगा वो सीनियर है वो ज्यादा सीनियर है कम सीनियर है ऐसा नहीं होगा जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर सॉरी ये तो हो सकता है मतलब जैसे कि हमारे परमानेंट ये ज्यादा परमानेंट कम कम परमानेंट है ये एक्सट्रीम extreme है एक्सट्रीमली है एक्सट्रीम है ज्यादा एक्सट्रीम है कम एक्सट्रीम है ऐसा नहीं बोलेंगे ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं और जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके डिग्री होते हैं डिग्री मतलब उसको हम लोग एक पॉजिटिव डिग्री होता है वो एक आपका होता है कंपेरेटिव डिग्री एक आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव में है ना पॉजिटिव डिग्री मतलब जिसमें हम लोग नॉर्मल कोई कंपेरिजन नहीं करते जैसे कि ही इज ही इज़ गुड वो अच्छा है है ना या फिर दिस मूवी इज़ फ़नी ये मूवी फनी है दिस इज़ अ फनी मूवी या फिर एक फ़नी मूवी है इस दुनिया में बहुत सारे फ़नी मूवी होते हैं उनमें से भी एक है लेकिन जब एक की तुलना हम लोग दूसरे से करते हैं तब हम लोग कम्पेटेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं अब कंपेटेटिव डिग्री में जैसे हमने फ़नी का फनीयर कर दिया लेजी का लेजियर कर दिया है ना और हॉट का हॉटर कर दिया बिग big का बिगर कर दिया सिंपल simple का सिंपलर कर दिया ठीक है केयरफुल का मोर केयरफुल कर दिया ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कर दिया तो ये कम्पेटेटिव डिग्री होते हैं उसका नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव सुपरलेटिग्री सुपरलेटिग्री में मुख्यतः हम लोग द लगाते हैं द इस कारण लगाते हैं क्योंकि एक की तुलना जब सब सबसे सब करते हैं वेन वी कंपेयर वन टू ऑल एक की तुलना जब सबसे करते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं ठीक है तो हम लोग किसका कर इस वजह से हम लोग क्या करते हैं द का उपयोग करते हैं द का उपयोग करते हैं वेन इट इज क्लियर टू स्पीकर एंड लिसनर बोथ स्पीकर लिसनर बोथ मीन्स जब सुनने बोलने वाला और सुनने वाले दोनों को स्पष्ट होते हैं तब हम लोग द आर्टिकल का उपयोग करते हैं किसके साथ करते हैं आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो कभी तो बताएंगे आपको है ना तो देखो सुपरिटी डिग्री के साथ का करते हैं वेन वे वेन वे वन टू आल, एक की तुलना जब और इसमें लगाते हैं क्योंकि वो स्पीकर लिस्टनर दोनों को स्पष्ट है सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को हमने द लगाया तो यहां पास क्या लगेगा नियरेस्ट है ना स्लोवेस्ट

मान लो बिलासपुर इतना बड़ा बिलासपुर है यहाँ पास बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सबसे करीब वाला पोस्ट ऑफिस कौन सा है द ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पास नीरेस्ट ही लगाएंगे और कुछ भी नहीं लग सकता ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग है ना नेक्स्ट वन वुड यू माइंड और ये इसमें ठीक है देखो ये तो आपके पी एस में भी प्रश्न पूछा था कि वुड यू माइंड ब्लैंक द विंडो ठीक है देखो पी एस में भी में पूछा था और कई बार भी और कई सारे एग्जाम में अवॉइड करके पूछा था इसमें क्या लगेगा ये भी पूछा था आगे देखते हैं हम लोग कुछ हमारे वर्ब होते हैं ना जैसे अभी मैंने पढ़ा अभी मैं हम लोग देखें कि गो होते हैं गो के साथ हम लोग इन्फिनेटिवेट टू का उपयोग करेंगे कुछ वर्ब होते हैं उसके साथ इन्फिनेटिवेट टू का उपयोग करते हैं है ना कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग आईएनजी का उपयोग करते हैं जैसे कि आपका अवॉइड हो गया ए वी ओ आई डी अवॉइड हो गया माइंड हो गया ठीक है एटसेट्रा और काफी सारे और वर्ब है जिसके साथ हम लोग जब वर्ब का उपयोग करते हैं कौन सा फॉर्म उपयोग करते हैं आईएनजी का जिरण का उपयोग करते हैं

आई सॉ हिम आई हेल्प्ड हिम आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड आई हेल्प हिम क्रॉस द रोड ऐसा होगा ना कि आई हेल्प हिम टू क्रॉस गलत है आई हेल्प हिम क्रॉसिंग गलत है क्या होगा आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड होगा ना कि टू क्रॉस नहीं ना ही क्रॉसिंग होगा क्या होगा क्रॉस द रोड ठीक है और जैसे कि ही सौ मी वैसे सौ सा के साथ हम लोग आयन भी लगाते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा और बेयर फिडी लगाएंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा जैसे ही सामी आ, ही, सा, ही सामी स्टिल मनी उसने मुझको ही सामी स्टिल मनी उसने मुझको पैसे चोरी करते हुए देखा पैसे चोरी किया शुरू से आखिरी तक तब तक उसने देखा मेरे को तो ही सामी स्टिल मनी इज इट क्लियर ही सामी कम हियर उसने मुझको आते हुए देखा आई सी हिम कम हियर मैं उसको यहां आते हुए देखता हूं जब भी यहां आता है जाता है सब कुछ तो उसको मैं देखता हूँ तो कुछ वर्ब होते हैं लेक्चर हो गया लेक्चर के साथ सॉरी हियर हो गया ऐसे काफ़ी सारे वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग किसका उपयोग करते हैं बेयर इन्फेटिव का उपयोग करते हैं कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ आई का उपयोग करते हैं जैसे अवॉइड हो गया अवॉइड के साथ आई का उपयोग करेंगे आई अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड ना कि आई अवॉइड टू ईट गलत आप प्रीवियस सॉल्व करो व्यापम पीएससी जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पेपर होते हैं यहाँ तक आप एसआई का भी एसएससी का भी करेंगे कोई भी करेंगे सब में आपके सब कुछ नजर आएगा तो कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ वर्ब का आईनजी फॉर्म का उपयोग करते हैं हम लोग मतलब जिरण का उपयोग करते हैं ना कि एट टू का ठीक है और ना ही आपके बेयर बेफिड का जैसे अवॉइड के साथ अगर वर्ब लगाते हैं तो आईनजी लगता है माइंड के साथ अगर वर्ब लगाएंगे तो आइनजी फॉर्म लगता है ठीक है कैच के साथ अगर वर्ब लगाएंगे तो आइन जैसे माई फादर कॉट मी स्मोकिंग मेरे पिताजी ने मुझको धूम्रपान करते हुए पकड़ लिया ठीक है तो कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग जिरण का उपयोग करते हैं इज इट क्लियर जिसको थोड़ा ध्यान रखेंगे Now, next one. अब जैसे देखो, एक और देख लेते टू का करते हैं। ऐसे काफी सारे वर्ब है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं इन्फिनेटिविट टू का उपयोग करते हैं ठीक है तो उसी प्रकार से माइंड है तो माइंड के साथ आपका वर्ब का आईनजी फॉर्म का उपयोग करते हैं मतलब जिरंड का उपयोग करते हैं हम लोग वर्ब के बाद वर्ब होता है तो या आपके पी में पूछा था और किसी और भी एग्जाम में पूछा था इसमें भी पूछा है आपके है ना तो वुड यू माइंड यहाँ क्लोजिंग लगेगा और कुछ भी नहीं वुड यू माइंड से हम लोग जब वुड यू माइंड के बाद आयन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सामने वाले से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली उस कंडीशन में वेन वेन वी वे फील सम वट मॉडेस्ट जब हम लोग को थोड़ा संकोच फील हो कि अगर मैं इसको ऐसा बोल दूँ तो कहीं बुरा तो ना मान जाए ऐसा करके जैसे कि मान लो आप मेरे दोस्त हो मैं आप यहाँ बैठे हुए हो तो मैं आपसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा हूँ जैसा भी है अब अचानक से मेरे कुछ और भी दोस्त आ गए ठीक है और कुछ कुछ काम है उनको तो मैं आपको बोल रहा हूँ अब मैं डायरेक्ट आपको तो नहीं बोल सकता हूँ वहाँ बैठ जाओ यार ऐसे करके तो मैं आपको बोलूंगा वुड यू माइंड सेटिंग देयर आप वहाँ बैठ जाएंगे क्या मतलब बोलने का मतलब यह है कि ऐसा तो आपको ना फील हो कि भाई मेरी वैल्यू कम हो गई इनके दोस्त आ गए तो।, तो उस कंडीशन में लोग वुड यू माइंड से रिक्वेस्ट करते हैं इज इट क्लियर तो माइंड के साथ आपके आईएनजी का फॉर्म का उपयोग किया जाता है तो यहाँ क्लोजिंग लगेगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो कि आप खिड़की बंद कर देंगे क्या मतलब आप ऐसा तो नहीं फील करेंगे ना कि मेरे खिड़की खिड़की बंद करने को बोल रहे हैं ऐसा करके है ना वुड यू माइंड सेटिंग देयर क्या आप वहाँ बैठ जाएंगे क्या वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे क्या क्या आपके अनुरोध हैं वुड यू माइंड मूविंग अ बिट ये पी एस में आया था किसी साल में आया था देख लेना आप है ना वुड यू माइंड मूविंग अ बिट क्या आप थोड़ा खिसकेंगे क्या ठीक है ट्रेन वगैरह जाते हैं और कहीं कुछ ट्रेन वगैरह में जाते हैं और कहीं कुछ जाते हैं तो सीट वगैरह के लिए हम लोग बोलते हैं ना नेक्स्ट वन इंटरेस्टेड नॉन नेक्स्ट वन इज दिस ठीक है अब इंटरेस्टेड क्या है तो इंटरेस्टेड आपका एडजेक्टिव है है ना कैसे पता चला हम लोग का एडजेक्टिव है देखो ये लिंक वर्ब है आपका ही इज इंटरेस्टेड मतलब वो रुचि रखता है इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि रखना ठीक है और इंटरेस्टेड मतलब जो रुचि रखे दैट इज कॉल्ड इंटरेस्टेड ठीक अब कुछ हमारे वर्ब होते गुड है गुड है इंटरेस्टेड है आई एन टी ई आर ई एस टी ई डी इंटरेस्टेड और आपके अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड ठीक है और सिख है एस आई सी के सिख ठीक तो ये आपके कुछ वर्ब है ना ठीक है अफ्रेड है गुड है इंटरेस्टेड है सिख है तो ये सभी जो आपके वर्ब हैं एंग्री है एंग्री ए एन जी आर वाई इसको भी पूछा था आपके किसी एग्जाम में देख लेते हैं हम लोग तो दीज आर एडजेक्टिव क्लियर ठीक एंगर मतलब गुस्सा होता है एंग्री मतलब नाराज वो एंगर मतलब नाउन होता है और ये आपके एंग्री मतलब गुस्सा होता है आपका ठीक है मतलब गुस्सा होता है और ये गुस्सा मतलब जो इंसान गुस्सा होगा उसकी स्टेट को बताया गया एंग्री एन जी आर वाई नेक्स्ट वन अब ये सभी एडजेक्टिव है प्रिपोजिशन का देखो हम लोग एक बार और हमारा प्रिपोजिशन का वीडियो है बिल्कुल देखो आपको पता चलेगा प्रिपोजिशन का काम होता है नाउन और प्रोनाउन का संबंध किससे बताना किसी एडजेक्टिव से बताना किसी वर्ब से बताना ka toh, ka hai, किसी नाउन से बताना किसी प्रोनाउन से बताना ये प्रपोजिशन का काम होता है इज इट क्लियर तो प्रपोजिशन का काम होता है किसी नाउन प्रोनाउन का रिलेशन या तो किसी प्रोनाउन से बताएगा या फिर किसी नाउन से बताएगा या फिर किसी वर्ब से बताएगा या फिर किसी एडजेक्टिव से बताएगा इज इट क्लियर ठीक है तो ये जो आपके अफ्रेड हैं गुड हैं इंटरेस्टेड हैं सीख हैं एंग्री हैं ऑल दीज वर्ड्स आर एडजिव ये सभी वर्ड्स हमारे क्या हैं एडजेक्टिव हैं ठीक है और इसका काम क्या होता है हमारे या तो नाउन को जोड़ना या फिर प्रोनाउन को जोड़ना आप यहां पास लर्निंग लगाए हैं ना लर्निंग जो आप लगाए हैं लर्निंग है ना यहां टाइपिंग एरर हो गया आप सुधार लेंगे इसका स्पेलिंग है एल ई -e ए आर एन आई एन जी होगा ना टाइपिंग एरर हो गया आप सुधार लेंगे भाई इसको आगे क्वेश्चन पेपर है स्पीड में टाइपिंग करते करते हो गया मेरे से ठीक है तो देखो यहां पर लिखा है लर्निंग इंग्लिश अब हमने पढ़ा है कि वर्ब का जो फॉर्म देखो, एक वो धूम्रपान कर, कर रहा है यहां किसके जैसे काम कर रहा है ये मेन वर्ग के जैसा काम कर रहा है कौन आपका आईनजी फॉर्म उसके बाद हमने बताया कि दिस इज अ स्मोकिंग रूम दिस इज अ स्मोकिंग रूम ये कैसा रूम है तो धूम्रपान करने वाला ये रूम क्या है नाउन है आपका इज इट क्लियर और ये स्मोकिंग क्या है अभी ये काम कर है एडजेक्टिव जैसा है. इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्क के एनजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बहुत सारे बुक पढ़ते हैं तो उसमें तो सेम टाइप का मीनिंग करने कर देता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ये मेन वर्क स्मोकिंग में, में लो धूम रूपान कर रहा है मेन वर्क जैसा काम कर रहा है और यहां पास जो आपका स्मोकिंग लिखे होने एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है इज इट क्लियर तो दिस इज अ स्मोकिंग रूम मैं बता रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ रूम इज इट तो बता रहे हैं दिस इज स्मोकिंग रूम या फिर इट इज अ स्मोकिंग रूम ये धूम्रपान करने वाला रूम है ठीक है तो यहां पास जो स्मोकिंग है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा और यहां पास जो स्मोकिंग है काम कर रहा है मेन वर्क के जैसा और एक मैंने लिखा कि स्मोकिंग किल्स स्मोकिंग किल्स कि धूम्रपान जानलेवा है तो ये नाउन के जैसा काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा और ये आपका वर्ब है कोई भी वाक्य में दो चीज का होना जरूरी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं जिसके बारे में चर्चा हो ठीक है और सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है फिर कोई प्रोनाउन होता है उसके अलावा कोई भी चीज आपके सब्जेक्ट नहीं होते ठीक है उसके बाद आपका होता है प्रेडिकेट प्रेडिकेट किसको बोलते हैं तो या तो मेन वर्ब होता है या फिर मेन वर्ब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं तो कोई भी वाक्य होगा उसमें दो तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो यहाँ पास आपका स्मोकिंग काम कर रहा है नाउन के जैसा इज इट क्लियर आप व्यापम के कुछ भी क्वेश्चन उठा के देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही बारीकी से व्यापम वाला जानना चाह रहा है पीएससी वाला जानना चाह रहा है लेकिन लोग बारीकी से ना ध्यान देके बस नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या आंसर क्या दें करके तो फीचर समझेंगे जिंदगी में कभी किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी वर्ड के फ़ीचर को समझते हैं तो तो यहाँ पास स्मोकिंग किसके कैसे काम कर रहा है नाउन के जैसा यहाँ पास आपका किसके कैसे काम कर रहा है मेन वर्ग के जैसा यहाँ पास किसके कैसे काम कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो नाउन के जैसा भी काम करता है और एडजेक्टिव के जैसा तो यहां पर जो आप लर्निंग लिखे हो ये नाउन के जैसा काम कर रहा है अब नाउन का संबंध एडजेक्टिव से बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे प्रपोजिशन का तो यहां कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे तो इन कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ कुछ adject, वर्ब होते हैं उसके साथ कुछ प्रपोजिशन लगते हैं कुछ नाउन होते हैं उसके साथ प्रपोजिशन लगते हैं कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ प्रपोजिशन लगते हैं तो इंटरेस्टेड अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है अब फ्रेड के साथ ऑफ लगता है ध्यान रखना अभी थोड़ा जगह हमारा कमी है तो थोड़ा समझ लेंगे आप ना अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो अब फ्रेड के साथ ऑफ लगता है ध्यान रखेंगे ठीक है गुड के साथ ऐड लगता है गुड एट समथिंग मतलब बी गुड एट समथिंग मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ आई एम गुड एट मैथ्स मैं मैथ्स में अच्छा हूँ आई एम गुड एट क्रिकेट मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ अब फ्रेड मतलब बी आ फ्रेड मतलब भयभीत होना होता है तो आम आ फ्रेड ऑफ डॉग्स मैं कुत्तों से डरता हूँ आम आ फ्रेड ऑफ स्नैक्स ठीक है स्नैक्स में स्नैक स्नैक्स तो मैं सांप से डरता हूँ इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि रखना किस चीज़ में बी इंटरेस्टेड मतलब रुचि होना किस चीज़ में तो इंटरेस्टेड के साथ इन का उपयोग करते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग मैं गाना गाने में रुचि रखता हूँ एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग मैं पढ़ाने में रुचि रखता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग मैं डांस करने में रुचि रखता हूँ या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट बोल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट में रुचि रखता हूँ सिंगल वर्ड नाउन है लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलने में रुचि रखता हूँ प्लेइंग लगाएंगे वो भी नाउन के जैसा काम करेगा और आपके क्रिकेट बस लगाएंगे वो भी नाउन के जैसा काम करेगा अभी पढ़े हम लोग वर्क पैंजी फॉर्म किसके से काम करता है नाउन के जैसा और प्रपोजिशन का काम होता है नाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से बताना नाउन प्रोनाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से वर्ब से नाउन से प्रोनाउन से बताना होता है ठीक है सिक के साथ ऑफ लगता है आम सिक ऑफ आम सिक ऑफ यू बी सिक ऑफ समथिंग या फिर बी फिडअप विथ समथिंग ऐसा होता है इसका मतलब होता है किसी से तंग आ जाना आम सिक ऑफ यू मैं आपसे तंग आ गया हूँ आम सिक ऑफ यू ठीक है मैं आपसे तंग आ गया हूँ आम सिक ऑफ माई कार मैं अपने कार से तंग आ गया हूँ ठीक है बार बार कहीं भी रुक जाता है ऐसा कुछ है आम सिक ऑफ आम सिक ऑफ माई मोबाइल एंग्री विथ एंग्री विथ समी होता है

वट हैप्पन लास्ट नाइट जो भी कल हुआ उसके बारे में थोड़ा नाराज हूँ आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर मैं उसके बिहेवियर से नाराज हूँ लेकिन आई एम एंग्री विथ यू हिम मैं उससे नाराज हूँ आपसे नाराज हूँ ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वन थोड़ा फास्ट ट्रैक में देखते हैं हम लोग भले ही टाइम लग जाए नहीं चलो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा हमको लेकिन कोई बात नहीं शांति सॉल्व करते रहिए आप पढ़ते रहिए ज्यादा पॉज कर करके देखते रहिए बाद में फिर से देख लेंगे है ना लगातार देखते रहिए हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है हाउ लॉन्ग ठीक है अगर नॉर्मल से अगर मीनिंग हम लोग कन्वे करें तो हाउ जो होता है वो आपका एड वर्ब होता है एड वर्ब ऑफ मैनर होता है कार्य करने के ढंग के तरीक़े को जानने के लिए हम लोग हाउ से प्रश्न करते हैं कि हाउ डू यू गो देयर आप वहाँ कैसे जाते हो हाउ डज ही सिंग वो कैसे गाता है तो ही सिंग्स मेलेडियसली वो सुरीला गाता है ही सिंग्स केयरफुली हाउ डज ही टीच वो कैसे पढ़ाता है ही टीचेस वेल वो बहुत अच्छा पढ़ाता है ही टीचेस केयरफुली वो ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ाता है ही टीचेस स्लोली वो धीरे धीरे पढ़ाता है तो कार्य करने के ढंग को जानने के लिए हाउ से क्वेश्चन करते हैं हाउ एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ जब भी कोई कुछ मतलब ये हमारे एडवर्ब होते हैं उनके साथ जब एडजेक्टिव लगता है तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं जैसे हाउ लॉन्ग होगा हाउ लॉन्गर नहीं हाउ लॉन्गेस्ट नहीं हाउ टॉल होता है कितना ऊंचा हाउ हाउ ओल्ड कितना पुराना हाउ न्यू कितना नया ठीक है इज इट क्लियर हाउ फार कितना दूर ऐसा होगा तो उसी प्रकार से अगर नॉर्मल से ट्रांसलेट में निकालेंगे तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा ऐसे करके मीनिंग हो जाएगा तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा हाउ लॉन्ग इज द महानदी रिवर महानदी रिवर की लंबाई कितनी है लेकिन हाउ लॉन्ग का आपके और भी मीनिंग होते हैं इसका मतलब जब इंडेफिनिट में उपयोग होता है ना इंडेफिनिट में चाहे प्रेजेंट डेफिनिट हो पास्ट इंडेफिनिट चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट तब इसका अर्थ होता है हाउ मच टाइम के जैसा ठीक है कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी मतलब आप कितने देर तक पढ़ते हो ठीक है हाउ मच टाइम डू यू टेक टू स्टडी ऐसा बोल सकते हैं फिर हाउ लॉन्ग डू स्टडी मतलब आप कितने देर तक पढ़ते हो समझ आ गया लेकिन जब ये हाउ लॉन्ग का मीनिंग जब होता है जैसे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रिवाइज आपको रिवाइज करने में कितना वक्त लगता है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट हियर आपको यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगता है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड आपको खाना बनाने में कितना वक्त लगता है ठीक है इज इट क्लियर तो इसके लिए तो ये हाउ लॉन्ग का मीनिंग होगा कितने समय लगता है इसके लिए और हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कितने देर तक ये भी मीनिंग होता है जैसे हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी मतलब आप कितने देर तक पढ़ते हो ठीक है हाउ लॉन्ग डू यू वर्क आप कितने देर तक काम करते हो हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप मतलब आप कितने देर तक सोते हो इज इट क्लियर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी हाउ लॉन्ग डू यू रिवाइज आप कितने देर तक रिवाइज करते हो लेकिन हाउ लॉन्ग का मीनिंग जब इसका अर्थ होता है पास्ट टू नाउ पास्ट टू नाउ हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है जब पास्ट से लेके अब तक तब इसके साथ सिर्फ परफेक्ट का उपयोग करते हैं फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग करते हैं इसके अलावा कोई भी टेंस का उपयोग नहीं किया जाता जब हाउ लोंग का मीनिंग क्या होता है कब से कब से इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पास्ट से लेके अब तक कितना वक्त बीत चुका है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं हाउ लोंग से प्रश्न करते हैं इज इट क्लियर ठीक है अब जैसे यहां पास लिखा है हाउ लॉन्ग ब्लैंक इंग्लिश हम चाहें तो यहां पास डू यू लर्न भी लगा सकते हैं है ना चाहे तो डी यू लर्न भी लगा सकते हैं लेकिन पता नहीं मेरे को ऑप्शन में दोनों क्यों दे दिया है इसने हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश मतलब आप कितने देर तक अंग्रेजी सीखते हो मान लो रोज सीखते हो इन अ डे लिखा रहता तो चलो एक बार और भी क्लियर हो जाता मान लो नहीं लिखा तो शायद इस कारण इस ऑप्शन को नहीं लिया वरना भी सही हो सकता था हमारा कि हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश मतलब आप कितने देर तक अंग्रेजी सीखते हो रोज आप अंग्रेजी सीखते हो मान लो आधे घंटे एक घंटे कोई क्लास जाते हो तो वो बोल रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश आप कितने देर तक इंग्लिश सीखते हो लेकिन ऑप्शन में हमको लिया नहीं है इसका मतलब अगर इसमें क्लैरिटी हम लोग दे देते इन अ डे इन अ वीक ऐसा करके दे देते शायद ले लेता तो नहीं लिया है तो चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं फिर वरना चाहते तो वो भी सही हो सकता था हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश तो कभी होगा नहीं ठीक है क्योंकि जब इसका हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कब से होता है कब से करके मीनिंग होता है तो कोई भी ना तो हम लोग इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं ना ही नॉर्मल कंटेंस का उपयोग करते हैं या तो परफेक्ट का उपयोग करेंगे या फिर परफेक्ट कंडेंस का उपयोग करेंगे तो इसका भी डिलीट हो गया ये भी नहीं लगेगा और ये यू लर्न तो ये लगे लगेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है हैव यू बीन लर्निंग पीएससी मीन्स में जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं आठ दस साल जितना भी हुआ है अभी तक जब से मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमारा ले रहा है पेपर उसमें ज़्यादातर आपके प्रश्न होते हैं सिंस फॉर वगैरह कुछ कुछ से या फिर परफेक्ट कंडेंस से कुछ कुछ क्वेश्चन दो चार्ट हो रहता ही है है ना तो आप इसको अच्छे समझिए अगर मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में तो वही सब कुछ आना है इंग्लिश ही है तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश होगा ये आपका करेक्ट है कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो कोई भी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग होता है कि अब तक कितना वक्त बीत चुका है पास्ट टू में समझाया गया अब तक कितना वक्त बीत चुका है इसका मतलब यू स्टार्टेड इन द पास्ट एंड नाउ अब तक कितना वक्त हो चुका है आपने पास्ट में चालू किया है तो पास्ट से लेके अब तक कितना वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी क्या है आपके एक्शन बाकी हैं